तो साथियों, आज सरहुल पर्व का लास्ट चौथा दिन है, तो चलिए चलते हैं हम लोग के सनरा स्थल, जहाँ कि हम लोग को यहाँ सनरा बोलते हैं, वहीं अभी हम लोग का आज है बागिड़ी, यानी कि आज लास्ट की पूजा है अभी, और वहाँ डांस होगा जो कि शुरू भी हो गया है। हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि चारा देने गए थे, तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग का ये पर्व यहाँ के लिए, हम लोग के गांव के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी और जो गांव अगल बगल गांव में होगा वहाँ मनाया जाएगा। चलिए तब चलते हैं। और हम लोग घर से निकल गए हैं वहीं के लिए, ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ हमारा जितना दूर फार्म था उतनी दूर इस साइड, फार्म के ऊपर साइड में। ठीक है फ्रेंड, हम लोग जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर और भीड़ जमा है। ये है हम लोग का बहुत, यानी इस आसपास के बनेगा प्रखंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट, या बोलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, जिसको हम लोग सनरा बोलते हैं, जो कि हमारे ही गांव में है। वो देख सकते हैं आप, वहाँ सब कोई नाच रहा है, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है। हम लोग और नज़दीक जाएंगे, यहाँ हिसा और बड़े की हिसा और सर जो दारू है एक साथ, जिसकी कि पहले समय से बहुत पूजा करते हैं लोग, और हमारे ही दादू लोग ये लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो चलिए व्यूअर्स हम लोग पहुँचते हैं। हमारे गांव के लोग आज सरहुल को विदाई दे रहे हैं। सरना स्थल जहाँ की हम लोग आप लोग से बात कर रहे हैं। हमारी परंपरा की खूबसूरती, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चियां साड़ी पहनकर आई हैं। और जो हमारा सलून पर्व है उसी की पूजा की जाती है, वो उसी को पवित्र जगह मानकर ही हम लोग पूजते हैं, इसीलिए हम लोग आदिवासी लोग को प्रकृति पूजक माना जाता है।
स्थल को देखते हैं जो हम लोग यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण शरण स्थल है। ये है वो जहाँ हम लोग इसे पूजा करते हैं। दो सुन हम सुना का पौराणिक सरना स्थल जो कि बहुत समय से जाना जाता है। मैं पूजा की विधि तो मिस कर ली। प्रसाद दारू तो है मगर सार्वजन दारू नहीं है। लोग सब पूजा करेंगे। यही वो सरना स्थल है जहाँ बहुत ज़्यादा शांति मानी जाती है। ऐसा स्थल है कि आप यहाँ कभी भी आइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से अच्छा दिखेगा। वो दूसरे नंबर में वो भी नाच रही है। गाना होगा तो उन लोग को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सकते हैं ये खुशी हो सकता है शाम तक चले। ये आज का ये सरहुल का लास्ट विदाई लास्ट नाच है ये आज का हमारे गांव में। शायद इसके बाद अखाड़ा में थोड़ी देर होगा आज नाच शाम को। नहीं तो ये लोग एक तरह से इसको आज विदाई देंगे इसको बहा दिया जाएगा जो सरहुल का फाइनल ये लोग लाए हैं आज इसे लाया था आज के दिन इसको विदाई दे दिया। फोक डांस इसी को कहा जाता है। कम आते ना दादू ओ दादू कम
समातना से सुन धोती बन के लाई नहीं देता धोती नहीं है तो कैसे नहीं कैसे करना था तो कैसे होता है होगा क्या नहीं कैसे होगा हाँ ये नहीं है मेरे पास होती नहीं नहीं डालना ही नहीं सिखाते आप जानेंगे अभी आप तो आप लोग अभी अभी तो आप लोग हैं सुबह को आप लोग ना आए नहीं तो आप लोग नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे आएंगे हम जिस समय आए तब आप बोल रहे चलो बोल के देख सकते हैं व्यूअर्स ये छोटी छोटी बच्ची लोग अच्छा अगला बार और अच्छे से करेंगे हम लोग कोई चीज भी धीरे धीरे ना सीखेंगे एकदम सीखने जैसा तो नहीं नहीं हमारी संस्कृति खूबसूरती है फ्रेंड ये हमारी चाची आगे की है सभी लोग नहीं है क्या कि अरे लोग गारू सब चराने गया है फिर और भी दूसरे काम है तो काम भी जरूरी है इसी के साथ त्यौहार है बिना विशाल जिंदगी के त्यौहार भी नहीं हो सकता इसलिए वो सब भी जरूरी है तो आने तो उसको फॉलो करेंगे अकेला अकेले गाते हैं ना तो बहुत अच्छा क्लियर सुनाई देता है ना लगा नहीं रहते तो अब तक तो यहाँ भीड़ खत्म ही नहीं अब तक तो सब कोई वहाँ पहुँच जाता ना
चलिए देखेंगे ना अगला साल होगा। इंसान तो बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत छूट दिया है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत छूट दिया है। बहुत लड़का घूम रहे हैं। हाँ उन्होंने बीते साल कहा नहीं, बीते साल तो शुरुआत खाली पूजा के वाले बस बस नियम खाली पूरा किए, उससे आगे तो हाँ कुछ करना। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल से बताऊंगा हमारे सरना स्थल के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में और क्यों हम लोग सकुआ और जो हिसा दारू है इसको ही पूछते हैं, मतलब पीपल और जो साल का पेड़ है इन्हीं दोनों को एक साथ हम लोग क्यों पूछते हैं उसकी भी बारे में मैं बताऊंगा। तो ठीक है, अभी के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और हमारा चैनल मोटी 75 व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, बाय।